नमस्ते दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नई डिज़ाइन लाई हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा वाला साइज़ है ये देखिए। और मैं ये आप लोगों को बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और ये मैंने एक कलर में बनाया है, आप चाहे तो दूसरे कलर में भी बना सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। ये मैंने ऑरेंज कलर में बनाया है, जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये सीधा है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को इसे बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों ये 50 सेंटीमीटर का है, तो आप इसे बनाइए कोई भी कलर में बनाइए। ये देखिए 50 सेंटीमीटर में आपको बनाना पड़ेगा, तो इसे और बड़ा मत कीजिए, ये बहुत बड़ा साइज़ का है। अगर आप थालपोशी के लिए ये यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए दोस्तों, मैंने धागा ले लिया है। अभी मैं इसे पहले एक लूप बना रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए मैंने बना लिया। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन बनाना। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन, ठीक है। यहाँ पे 8 चेन ले लिया। अभी यहाँ पे फर्स्ट के साथ इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट चेन के साथ मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग चेन स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 चेन, ठीक है। फिर हम लोग डबल क्रोशेट लेंगे यहाँ से अंदर से, 1 डबल क्रोशेट और 2 डबल क्रोशेट, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 चेन, ठीक है। फिर 3 चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 चेन ऐसे करके 6 बार हमें ऐसे डबल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये ले लिया है, ये कंप्लीट हो गया है मेरा ये। अभी हम लोग यहाँ पे चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे यहाँ पे, देखिए। फिर मैं इसे ज्वाइन करूँगी यहाँ पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे मैं ज्वाइन करूँगी यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे अब जहाँ पे यहाँ पे ज्वाइन किया वही से हमें अभी ऊपर 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशेट, ठीक है, 2 बार हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 और 1 3 बार डबल क्रोशेट लेना है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे ही 1 2 और 3 डबल क्रोशेट लेंगे, फिर यहाँ पे 4, फिर और एक बार 5, और यहाँ पे एक बार 6, हो गया। अभी यहाँ पे फिर से 3 बार लेना है, 2 और 3, दो तीन चेन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये जो गैप हम लोगों ने लिया था पहले 3 चेन का, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है,
एक एक साइड का तीन चेन, ठीक है। तीन चेन लेने के बाद तीन चेन सॉरी तीन डबल क्रोशेट लेने के बाद तीन चेन लेना है, फिर तीन बार डबल क्रोशेट लेना है, और फिर जो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे तीन डबल क्रोशेट लिया था इसके अंदर से यहाँ पे एक एक करके गैप है वहाँ पे हम लोगों को एक एक बार करके डबल क्रोशेट लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, इधर में मैंने तीन बार लिया, फिर इसके तीनों के ऊपर देखिए मैंने तीन बार फिर से डबल क्रोशेट लिया, यहाँ यहाँ पे देखिए एक दो तीन, फिर यहाँ पे तीन बार लिया, ऐसे करके आपको ये राउंड कंप्लीट करना है। तो अगर पहले मैं इसे बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था तो यहाँ पे मैंने पांच डबल क्रोशेट लिए थे, ये गैप के तीन और यहाँ से दो, तो यहाँ पे हमें और चार बनाने हैं, ये गैप के तीन, एक एक डबल क्रोशेट, दो और ये लास्ट तीन। और ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट नीचे है उसके ऊपर और एक बार बनेगा, ठीक है। ये देखिए फिर इसे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ये लास्ट चेन पे, ठीक है। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, अभी देखिए हाथ पे पकड़ने से शेप नहीं आता, बाद में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे। नेक्स्ट लाइन शुरू करने के लिए हम लोग, तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, ये गैप तक हम लोग जाएंगे फर्स्ट, हाँ। तो इसके लिए स्लिप स्टिच हम लोग यूज़ करेंगे, एक दो स्लिप स्टिच हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ जो गैप है इस गैप के अंदर से डालना है, इधर से घुमा के फिर अंदर से निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डाल के फिर घुमा के ये अंदर से खींच लेना है, ऐसे करके हम लोग स्लिप स्टिच लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाऊँगी, एक दो तीन डबल क्रोशेट हो गया। अभी हम लोग एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे तीन बार फिर से डबल क्रोशेट बनाना है, एक दो और लास्ट और एक तीन बार हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग, एक दो तीन चार पाँच छः चेन, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से इसके ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशेट, ठीक है। ऐसा फिर यहाँ पे फिर से एक दो तीन डबल क्रोशेट सॉरी चेन, फिर यहाँ पे फिर से तीन बार डबल क्रोशेट बनाना है, एक दो और तीन बार, ठीक है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, अभी मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। तो अभी हम लोग स्लिप स्टिच लेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको इस चेन में प्रॉब्लम है तो आप चेन थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आपको छः चेन में कंफर्टेबल नहीं है तो आठ चेन भी ले सकते हैं, और ठीक है अगर आपको छः चेन में कंप्लीट हो रहा है तो आप छः चेन में कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर दो चेन एक्स्ट्रा ले लीजिए। फिर तीन डबल क्रोशेट मैंने बना लिए, फिर तीन चेन लेना है, दो तीन चेन, फिर से हम लोग डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो और एक लास्ट तीन चेन बना लिए, ठीक है। अभी बनाने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके आप एक दो
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और एक दस। ठीक है, ऐसे करके दस करके हमें डबल क्रोशेट लेना है। फिर से हम लोग कोई चेन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे। फिर से यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट, दो और एक, तीन डबल क्रोशेट और फिर यहाँ पे तीन चेन। ठीक है, ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो चेन एक्स्ट्रा और ले लिया है, टोटल 12 चेन मैंने बनाया है। तो इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, ये बाद में बैठ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये बैठ गया, क्योंकि मैं इसे हाथ में पकड़ के कर रही हूँ, इसीलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पहले इसे ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच लेंगे, फिर और एक बार, फिर यहाँ पे और एक बार। ठीक है, फिर हम लोग एक दो तीन चेन यहाँ पे जैसे बनाया, डबल क्रोशेट, फिर और एक डबल क्रोशेट। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, देखिए, फिर यहाँ पे डबल क्रोशेट, एक दो और एक लास्ट तीन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाइए, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन लीजिए, फिर यहाँ पे एक दो तीन तीसरे नंबर पे फिर से डबल क्रोशेट बनाइए। जैसे कि मैंने बताया था, पहले 12 बार लेना है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्रोशेट 12 बार चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो तीन डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन तीसरे नंबर पे फिर से एक बार। ठीक है, एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक दो तीन तीसरे नंबर पे एक बार, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन और लास्ट यहाँ पे एक बार डबल क्रोशेट। ठीक है, टोटल हो गया हम लोगों का 5 डबल क्रोशेट, एक दो तीन चार 5। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्टली डबल क्रोशेट 3 बार, 2 और 3 बार, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो और 3। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे करके हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ से यहाँ तक जैसे करके मैंने बनाया, वैसे करके ये पूरा लाइन हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ यहाँ तीसरे चेन पे, यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लेके सेंटर पोजीशन पे आ जाएंगे, दो और एक लास्ट 3। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे फिर से एक दो तीन डबल क्रोशेट हो गया, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग पहले से करते आए हैं, दो और एक 3। ठीक है,
अभी फिर से हम लोग यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और सेम जगह पे हैं और एक बार तीन और तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है, 2 और ये लास्ट 3, 3 डबल क्रोशेट, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग 1 2 3 चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग जाके एक बार, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे एक बार, तो देखिए दोस्तों जो मैंने लिया था उसे मैंने खोल दिया। अभी देखिए 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे हम लोग ऐसे करके एक जॉइन करेंगे, फिर यहाँ पे एक और सिंगल क्रोचेट लेंगे, 2 सिंगल क्रोचेट, ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके सिंगल क्रोचेट और एक बार सिंगल क्रोचेट, 2 बार, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर से यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोचेट, ठीक है, ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके एक बार, फिर 2 बार, फिर 1 2 3 चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे जा सॉरी यहाँ पे जाके डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट 3 बार, 2 और लास्ट 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट, 1 2 और लास्ट एक बार 3 बार, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये दिखेगा, ठीक है, तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, मैंने इसे कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए मैंने इसे ज्वाइन भी कर लिया और स्लिप स्टिच से देखिए मैं यहाँ पे सेंटर पोजीशन पे आ भी गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अभी मैं देखिए 1 2 3 चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पर डबल क्रोशेट, 1 2 3 चेन हो गया, डबल क्रोशेट हो गया, अभी यहाँ पे 1 2 3 चेन, ठीक है, फिर से यहाँ पे सेम गैप पे ही डबल क्रोशेट बनाना है, 1 2 और एक लास्ट 3, ठीक है, हो गया। अभी देखिए 1 2 3 चेन ले लिया मैंने और यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 चेन, तो मैंने यहाँ पे 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है, तीन डबल क्रोशेट, ये देखिए ये 2 अलग हो गए, ठीक है, ऐसे करके 2 अलग हो गए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग फिर से सेम तरीके से 2 बार और एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर से यहाँ पे 1, फिर यहीं पे और एक बार सिंगल क्रोचेट, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन, 6 चेन,
फिर यहाँ पे फिर से, तो देखिए अभी यहाँ पे फिर से 1, 2, 3 चेन और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट, 1, 2, 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बनाने के बाद अभी हम लोगों ने 3 चेन लेके पहले जो 3 हम लोगों ने बनाए थे उसके ऊपर 2 बार, ठीक है, ये देखिए पहले बार हम लोगों ने 1, 2, 3 बनाए थे ऐसे, और यहाँ पे अभी इन दोनों के ऊपर, तीनों के ऊपर 2 बार, ठीक है, ऐसे करके बना के फिर से यहाँ पे सेम यही पैटर्न चलेगा, ठीक है, हर एक साइड पे एक एक धारे पे ऐसे ही डिज़ाइन चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग इससे मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है और स्लिप स्टिच से मैंने सेंटर पोजीशन पे आ गई हूँ। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट, 2, 3 हो गया, फिर से 1, 2, 3 चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग 1, 2, 3 चेन, ठीक है, फिर से यहाँ पे 1, 2, सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे, फिर 1, 2, 3 चेन, फिर यहाँ पे सेम चीज़, एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, फिर यहाँ पे हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे करके 1, 2, 3 चेन, फिर यहाँ पे 2 बार, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन, फिर यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चेन, फिर से सेम चीज़ यहाँ पे करना है जैसे हम लोग वहाँ पे किए सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, यही चीज़ यहाँ पे भी करना है, ऐसे करके पूरा राउंड घुमा के हम लोगों को ये कंप्लीट करना है। तो पहले मैं इसे कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइन करके ये चीज़ सेम करना है प्रोसेस, तो मैंने इसे यहाँ पे बना भी लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं इसे अभी चेन बनाऊँगी, 1, 2, 3, 4, 5 चेन, और यहाँ पे क्या करना है फिर से स्लिप स्टिच, सॉरी सिंगल क्रोशेट, फिर 2 बार और लास्ट और 1 बार 3 बार, ठीक है, ऐसे करके 3 बार यहाँ पे और 1 बार 3 बार, ठीक है, सिंगल क्रोशेट ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चेन, ठीक है, फिर यहाँ पे सेम चीज़ ये वाला। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, अभी और हम लोग चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन, यहाँ पे 6 चेन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसे डायरेक्टली ऐसे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे और फिर और 1 बार 2 बार, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन, और फिर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 1, 2, सेम प्रोसेस में हमें अभी ये चीज़ बनाते जाना है। ये देखिए ये शेप, देखिए पिरामिड शेप आ गया, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे अंदर जाएगा, ठीक है,
ये अंदर और ये ख़त्म हो गए यहाँ पे, ये लास्ट लाइन था। ठीक है, ऐसे करके अभी हम लोग ये लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको दूसरी लाइन दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है और ये डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अभी हम लोग यहाँ से चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है, 10 चेन मैंने बना लिए। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ पे चेन, एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो और तीन चेन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 चेन। फिर से हम लोग यहाँ पे डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ऐसे करके हमें पहले ये कंप्लीट कर लेना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट लाइन। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चेन लेने में, मतलब 10 करके मैंने लिया है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ 12 करके ले सकते हैं ये चेन। ठीक है, अगर 10 चेन लेने में आपको प्रॉब्लम है तो 12 भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग अभी ये देखिए, मैं अभी इसे ज्वाइन करूँगी यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा टाइट होने से आप 12 चेन करके लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर से मैं ये डिज़ाइन बना लूँगी, दो तीन हो गया। अभी एक दो तीन चेन, फिर यही पे एक दो तीन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सॉरी फिर यहाँ पे डायरेक्टली जैसे फर्स्ट टाइम बनाते टाइम हम लोगों ने यहाँ पे किया था, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे चले गए थे, वैसे करके यहाँ पे भी करेंगे, सेम प्रोसेस में होगा। ठीक है, एक तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अभी बनने के बाद। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये सिरा मैंने बना लिया है, जैसे पहले बनाया था वैसे करके आप लोग भी बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना, डायरेक्टली आप लोगों को ऐसे यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, डबल क्रोशेट यहाँ पे हम लोगों को 21 डबल क्रोशेट चाहिए, 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21, फिर से यहाँ पे सेम तरीके से, फिर यहाँ पे हर एक जगह पे 21 करके हमें डबल क्रोशेट लेना है। तो पहले ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे 21, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 21 ऐसे बना लिए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? तो ऐसे करके हम लोग 21 बना लेंगे, फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके फिर से सेम तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे ही बनाएंगे, दो तीन। ठीक है, फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, तो ये कब अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, देखिए। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये वाला लाइन बना लिया है। अभी नेक्स्ट लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक डबल क्रोशेट लेंगे फर्स्ट। ठीक है,
फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक दो तीन, देखिए फर्स्ट तक गिनिएगा हाँ, एक दो तीन, तीन नंबर पे हम लोग यहाँ पे डबल क्रोशेट, फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है। जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर एक दो तीन चेन और एक दो तीन, ये वाला यहाँ पे ख़त्म किया तो उसके नेक्स्ट में एक दो तीन, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके, ये लाइन कंप्लीट करना है। टोटल आठ डबल क्रोशेट ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे करके बना के हमें कंप्लीट करना है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये बना लिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे हम लोग ऐसे करके एक सिंगल क्रोशेट से इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग फिर से एक ज्वाइन करेंगे, फिर एक दो तीन चेन, फिर नेक्स्ट लाइन पे ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, दो तीन चेन, ये देखिए ये क्या ऐसा बन रहा है। फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर एक दो तीन चेन, फिर नेक्स्ट लाइन पे और एक दो तीन चेन, फिर लास्ट, ये देखिए ऐसे करके छः होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः यहाँ पे बन गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो तीन चेन, फिर से यहाँ पे ये वाला लाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को भी ये लाइन कंप्लीट करना है, ठीक है। दो और लास्ट तीन, फिर एक दो तीन चेन ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसा बनेगा। ऐसे करके पूरा राउंड घुमा लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला लाइन कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। तो अभी मैं ये दूसरा लाइन स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ऐसे करके लिया है, ठीक है। फिर अभी देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, ऐसे करके स्टार्ट करके, ठीक है, तीन डबल क्रोशेट लेके, फिर तीन चेन लेके, फिर तीन डबल क्रोशेट, फिर तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशेट, ऐसे करके आपको एक ही जगह पे लेना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया था यहाँ पे, ठीक है, वैसे करके यहाँ पे भी करना है। फिर हम लोग यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच चेन लेना है, ठीक है। फिर फर्स्ट इसके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक दो तीन चेन, फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर एक दो तीन चेन, ठीक है, फिर से सिंगल क्रोशेट, दो तीन चेन, फिर से सिंगल क्रोशेट और एक दो तीन चेन, ठीक है, फिर से सिंगल क्रोशेट और एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, एक दो तीन और यहाँ पे दो चार और पांच चेन हो गया। और यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, फिर से एक डबल क्रोशेट, दो और लास्ट तीन हो गया। अभी यहाँ पे तीन चेन लेना है, दो तीन चेन, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे तीन बार, तीन डबल क्रोशेट हो गया, ये देखिए। अभी यहाँ पे फिर से एक दो तीन चेन लेना है, फिर से यही पे डबल क्रोशेट बनाना है, एक दो और लास्ट तीन, ठीक है। ऐसे करके हमें, ये देखिए ऐसे करके बनाना है।
ये थोड़ा थोड़ा करके कम होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन फिनिश कर ली है, तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लेके सेंटर पोजीशन पे आ गई हूँ। अभी हम लोग 1 2 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट, ये देखें, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चार बार चेन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट 1 2 और 3, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन, और फिर से यहाँ पे 1 2 और 3, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेना है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पे, ठीक है, फिर और 1 2 3 चेन, फिर 1 2 3 चेन, 2 3, ये लास्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, सेम तरीके से अभी यहाँ पे बनाना है। तो ऐसे करके पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ लाइन को, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन ख़त्म कर ली है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये बना लिया है सिरा, ठीक है, ये वाला सिरा बना लिया। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी, एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सिरा इसके ऊपर बना लिया है। अभी डायरेक्टली यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं चाहिए, 2 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, ऐसा हो गया। अभी फिर से यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ बनाएंगे, चेन नहीं चाहिए यहाँ पे बीच में कोई भी, यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशेट, फिर 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 चेन डबल क्रोशेट। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 चेन, ठीक है। 7 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर और एक बार, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, देखिए। अभी फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर से यहाँ पे ये पैटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सिरा बनाना है,
यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले में बनाया था ऐसे दो सिरा, वैसे करके यहाँ पे भी दो सिरा, ऐसे करके अभी हमें ये लाइन पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लाइन ख़त्म कर ली है, तो अभी कुछ ऐसी दिख रही है, देख सकते हैं आप लोग। अभी ये लाइन हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिरा बना लिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक सिरा बना लिया, अभी नेक्स्ट लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये बना लिया, अभी ये दोनों जो निकाले थे सिरे, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं चाहिए, ठीक है। दो और तीन, तीन डबल क्रोशेट हम लोगों ने ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट, दो और तीन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो तीन डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो और तीन डबल क्रोशेट, ठीक है। ये देखिए ऐसा, अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशेट, फिर एक दो तीन चेन, सेम तरीके से हम ये भी बनाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो है यहाँ पे चेन नहीं होगा, ये जो चेन हम लोगों ने लिया था इसके ऊपर ये चेन नहीं लेना है, एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ से अटैच कर लेना है, दो ऐसे करके, फिर तीन, ये डायरेक्टली करना है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया, तो ये अभी देखिए ये कैसा दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार सिरे हो गए। अभी मैंने यहाँ पे सात चेन लिया है, और मैं यहाँ पे इसके अंदर से इसके डाल के फिर इसे निकालूंगी, ज्वाइंट कर दूंगी, ये देखिए। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर इसके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन, फिर इसके अंदर से, ये देखिए। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात चेन, ठीक है। फिर से यहाँ पे वैसे स्टार्ट करना है, तो पहले मैं इसे ख़त्म कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग लास्ट लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये पहला सिरा बना लिए हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग एक दो तीन चार चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग फिर से सेम प्रोसेस में, और तीन डबल क्रोशेट, फिर एक दो तीन चेन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे और एक, सॉरी, तीन बार डबल क्रोशेट ले लिया। अभी फिर से एक दो तीन चार चेन, फिर से यहाँ पे ऐसे करके हमें ये लाइन बना लेना है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये देखिए चार चार करके चेन लिया है इसमें, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करके कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से चेन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेने के बाद यहाँ पे
इसके अंदर जो लास्ट अभी दो बचा है, अभी ये सिंगल होगा, एक दो तीन चेन, फिर यहाँ पे फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, फिर यहाँ पे दो तीन, तो देखिए दो दोस्तों मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइन कंप्लीट करने के बाद ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं ये डिज़ाइन कुछ ऐसा आ गया है। और ये लास्ट लाइन था, देखिए एक, ठीक है, अभी मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बना रखा है एक, तो मैंने यहाँ पे जो बनाया था वैसे ही बना के यहाँ पे राउंड कर दिया हर एक लाइन पे। तो ऐसे करके मैं अभी यहाँ पे आपको एक बनाना दिखाऊंगी, देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट लिया है, अभी यहाँ पे मैं एक दो तीन चार चेन लूँगी, फिर ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट के अंदर से डाल के इसे ऐसे निकाल दूँगी। तो ये कुछ सॉरी, दो तीन चार, ठीक है, फिर यहाँ से गुस्सा यहाँ से निकाल देना, ये देखिए ऐसा राउंड बन जाएगा, देखिए। फिर यहाँ पे फिर से तीन बार डबल क्रोशेट, दो और तीन डबल क्रोशेट। अभी इसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फिर से डबल क्रोशेट बनाना है, दो और तीन, ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार चेन, फिर यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये जो गैप्स सारे हैं यहाँ पे ऐसे में भी ऐसे टाइप का बनाया हुआ है, ये देखिए ऐसे करके बनाया, और कोई भी एक्स्ट्रा चेन नहीं लिया है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने बनाया है। और यहाँ से भी यहाँ पे डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे भी कोई गैप नहीं चाहिए, ऐसे करके हमें ये बनाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।